नमस्कार दोस्तों, पी के एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियो वाकई अच्छी लग रही होंगी। और अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। और जो भी दोस्त हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी हमारे SBI CSP हैं उनके लिए है, जो भी CSP भाई हैं, SBI के CSP में एक तो नया ऑप्शन आया है कि आधार से मिनी स्टेटमेंट कैसे फाइंड आउट करें। आपको आधार के माध्यम से ही मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो कैसे करते हैं हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है SBI CSP पोर्टल जो है वो लॉगिन होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये SBI CSP पोर्टल जो है लॉगिन है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि AEPS ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ AEPS ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ बैंक नेम, जो भी जिस बैंक का आप स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद UID BID यानी कि वर्चुअल ID और आधार नंबर जो है UID नंबर जो है वह आपको यहाँ डालना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं दोस्तों। ये डालने के बाद दोस्तों, यहाँ सेलेक्टेड सर्विस में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिनी स्टेटमेंट का होता है। ये करने के बाद दोस्तों, आपको सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ डिक्लेरेशन दे रखा है, और यहाँ आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद दोस्तों, जो भी आप फिंगर कोई भी चूज कर सकते हैं और कोई भी फिंगर लगा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर थंब भी हमने सेलेक्ट किया है तो थंब भी लगाना है। और दोस्तों, इसके बाद हम जो है ऑथराइज करते हैं। ऑथराइज करने के बाद यहाँ डिवाइस पे फिंगर लगाएंगे, यहाँ रेड लाइट ब्लिंक होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कस्टमर फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ कस्टमर नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और दोस्तों, इसके बाद जो अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर यहाँ दे रखा है, और ये आपके आधार का 4 डिजिट जो हमें लास्ट के वो दे रखे हैं। देन इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी प्रविष्टि आ चुकी है। आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सारी एंट्री आपको दे रखी हैं, 5/11 से 9/12/20 तक की आपको एंट्रियाँ यहाँ दे रखी हैं, जो जो आपने विड्रॉल किया है, ट्रांजेक्शन किया है। तो ये एंट्री हमारी पिछली प्रविष्टि जो है, यहाँ से हम जो है एज ए मिनी स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसमें दोस्तों 5-6 दिन पहले की एंट्रियाँ नहीं आती हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ 12 तारीख का दिया है, 9 तारीख का यहाँ लास्ट शो कर रहा है, 9/12/20 तक का। तो इससे जो 4-6 दिन पहले की जो एंट्रियाँ होती हैं प्रेजेंट डेट से, जैसे आज 21 तारीख है, 21 तारीख से 5-6 डेट तक बैक जाएंगे, तो तब तक की यहाँ मिनी स्टेटमेंट एंट्री नहीं होती है। बस विशेषकर ये है कि आपसे पिछली एंट्रियाँ यहाँ तक अवेलेबल हो जाती हैं। आप देख रहे हैं 5/11/20 से ये आपका 9/12/20 तक का अप्रोक्स अगर हम निकालें तो 1 मंथ का आपको पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। तो दोस्तों, अब यहाँ जो भी आपके अमाउंट डेबिट हुए हैं वो डेबिट है, क्रेडिट जो भी हुए हैं वो क्रेडिट हो रखे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारा स्टेटमेंट हम इसी तरह से चेक करते हैं, और ये सारा आप चेक ही कर चुके हैं। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है, और यहाँ जो हमारा अवेलेबल बैलेंस होता है वो इस टाइप से अवेलेबल बैलेंस का है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगी होगी। आगामी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।